के खुलासे के बाद आखिरकार पीएम अटल आवास में दरबार लगाने वाले मौलवी पर एफआईआर दर्ज हो गई है। चिल्ला मुबारक दरबार के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पूरा मामला इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। बिलासपुर के पीएम अटल आवास पर अवैध रूप से कब्जा कर दरबार लगाने वाले मौलवी के खिलाफ पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है और उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दरबार की पेटियों में महिलाओं की फोटो मिली थी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मौलवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। कोरबा थाना क्षेत्र में देर रात 22 तारीख को एक प्रार्थी द्वारा शिकायत प्राप्त होती है। प्रार्थी ने शिकायत में ये बताया गया कि उसने काफ़ी समय से वो मानसिक और शारीरिक रूप से पीड़ा में था और उसे किसी ने एक चिल्ला बाबा दरबार के बारे में बताया था जो कि देवरी खुर्द अटल आवास में स्थित है। उस पर से वो बाबा के पास लगातार जाता रहा पर उसके जो भी पीड़ा में उसे कोई भी राहत नहीं मिली। इसके उपरांत वो आके अभी पुलिस को रिपोर्ट किया। पुलिस में इसमें टोनी अधिनियम के तहत अभी एफआईआर पंजीबद्ध करके आगे की विवेचना में जुटी हुई है। न्यूज़ 18 ने सबसे पहले इस मामले का खुलासा किया कि पीएम अटल आवास पर अवैध कब्जा कर यहाँ एक मौलवी दरबार चलाता था जिसमें अंधविश्वास और झाड़फूंक का खेल होता था। मौलवी का जिस मकान पर कब्जा था उसको गुंबद नुमा बनाया गया है जिसके बाद प्रशासन ने अटल आवास के अवैध कब्जाधारियों पर एक्शन लिया है। इनको नोटिस दिया गया और अवैध कब्जे को हटाया गया और मौलवी के दरबार पर भी गाज गिरी है। इस दरबार की पेटियों में महिलाओं की फोटो भी मिली और महिलाओं के फोटो के वीडियो वायरल हुए जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया। उमेश मौर्य, बिलासपुर, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।